गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम योर सोशल साइंस टीचर नमीशा। आई होप यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। क्लास वी हैव रीडन प्रीवियस चैप्टर एंड प्रीवियस वीडियो, द चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी विच नेम इज़ द अर्थ इज द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो हमने बहुत सारी चीज़ें रीड करी थी, लाइक अ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, constellations and all that. But in this video we have read about the moon, meteoroids and comets and what make the earth a unique planet. First of all, we are reading about the moon. Our earth has only one satellite, the moon. They revolve around the planet in their own orbit and continue to do so. The planet revolves around the sun. हैव यू सीन दैट मून बेटा? आपने मून देखा है? मून में हम क्या करते हैं? देखिए आपने कि मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मर्करी एंड वीनस आर द ओनली प्लैनेट्स विच डू नॉट हैव एनी मून अराउंड देम। ओनली मर्करी एंड वीनस ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास अपना कोई भी नेचुरल मून नहीं है। देयर आर अदर सैटेलाइट्स विच मैन मेड एंड सेंट टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। Such satellites are called artificial satellites. और भी बहुत सारी satellites हैं जो कि हम जो man-made हैं और जो हम किसी भी planet का revolution लेने के लिए भेजते हैं, they are called a artificial satellite. The moon has no light of its own. Moon की अपनी कोई भी light नहीं होती. What we see in moonlight and actually the sun's light reflected by moon. This light reaches us in 1.25 seconds. Moon has no light and its own. Moon की ना तो अपनी कोई light है, वो किससे light लेता है? वो sun से लेता है. The moon appears in the sky in a different shape. Have you seen it? कि आपको moons के अलग अलग shape and अलग अलग faces जो हैं वो earth से दिखाई देते हैं. These are called the faces of moon. When the moon looks like a full disk, it is called a full moon or Purnima. When the side of moon facing us does not receive sunlight, we cannot see the moon. This is known as the new moon or Amavasya. Moon makes a one revolution around in earth is 27 days and 8 hours. मून को अर्थ का एक रेवोल्यूशन लेने में यानी कि एक राउंड लेने में कितना टाइम लगता है? 27 डेज एंड 8 आवर्स। दिस टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट द सेम एज द टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। द मून सरफेस इज मेड अप ऑफ रॉक एंड देयर इज नो सॉइल। ना तो मून्स की जो सरफेस है वो किससे बनी हुई है? रॉक से, बट उसमें कोई सॉइल नहीं है। द माउंटेन्स, पीक्स, प्लेन्स एंड क्रेटर्स मेक द सरफेस एक्सट्रीमली रग्ड। एज अ रिजल्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द एवरी पार्ट ऑफ द मून सरफेस इज नॉट अ यूनिफॉर्म। दिस इज वाई इफ वी लुक एट द मून वी कैन सी सम डार्क स्पॉट्स ऑन इट्स सरफेस। आप अर्थ से जब मून को देखते हैं तो वो आपको कैसे लगती है? बिल्कुल वाइट दिखता है और उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं। और वो ब्लैक स्पॉट्स किसकी वजह से हैं? जो मून पर माउंटेन्स, पीक्स बनी हुई हैं, क्रेटर्स बना हुआ है, उसकी वजह से वो मून पे आपको ब्लैक स्पॉट नजर आते हैं। प्लैनेट्स हैव टू टाइप ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। सो In this we have to read it, rotation. Each planet, it has its own axis which it is rotates or spins. जब planet अपना ही एक चक्कर लेता है, means अपने ही space पर, अपने ही axis पर round लेता है, it is called rotation. Two planets, Venus and Uranus, rotate in a clockwise direction. दो planet हैं, Venus and Uranus. ये आपके क्लॉकवाइज जो है वो डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। एंड अदर ऑल द प्लैनेट्स रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बाकी सभी प्लैनेट्स यानी कि बाकी के 6 प्लैनेट्स वो कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। रेवोल्यूशन, द
प्लैनेट्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ. जैसे ही जितने प्लैनेट्स अपना एक राउंड लेते हैं, सेम एज दैट वो किसी अदर स्टेशनरी बॉडी का भी राउंड लेते हैं. ईच प्लैनेट टेक अ डिफरेंट टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस एंड वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. जैसे ही आपको पता होगा कि अर्थ जो है वो सन का रोटेशन. नाउ वी आर रीडिंग द एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड्स आर द स्मॉल रॉकी कैलेस्ट्रियल बॉडी मूविंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. साइंटिस्ट बिलीव दैट दे आर रिमेन्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स अगो. एस्ट्रॉइड क्या है? दे आर द स्मॉल रॉकी बॉडी रॉकी कैलेस्ट्रियल बॉडीज मूविंग अराउंड द सन बिटवीन द अनदर प्लैनेट्स लाइक अ मार्स एंड जुपिटर. मेट्रियॉइड्स. मेट्रियॉइड्स आर स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन. सम ऑफ दीज पार्टिकल्स एंटर द अर्थ एटमोसफियर विद द ग्रेट वेलोसिटी. ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एटमोसफियर दे गेट हीटेड अप एंड स्टार्ट ग्लोइंग. हमें चमकता हुआ दिखता है. मोस्ट मेट्रियॉइड्स बर्न आउट द सेम एंड क्वाइट लार्ज एंड फॉल इन द अर्थ सर्फेस creating a hole or a crater, they are called the meteoroids. Now we are just reading about the comets. Comets are glowing heavenly bodies revolving around the sun in the elongated orbits. They are mostly made up of dust, ice particles and gases. Comets kisse bane hote hain? Dust, ice particles and gases. Most comets have had a nucleus and a tail. Aapne dekha hoga kabhi आपको ऐसे ही लिखता होगा कोई ऐसा स्टार है जिसे हम शूटिंग स्टार और पुच्छल तारा कहते हैं. दे वेन अप्रोच द सन एंड गैस वॉज हीटेड एंड स्टार्टेड ग्लोइंग. हेली कॉमेट्स इन वन सच कॉमेट्स विच वॉज सीन इन 1986 एंड विच विल बी विजिबल आफ्टर 76 ईयर्स. इन इंडिया इट इज ऑल्सो नॉन एज पुच्छल तारा, यानी कि जिसे हम पुच्छल तारा कहते हैं. आप देखते हैं जैसे तारा टूटता हुआ गिरा, एक ऐसा तारा जिसकी आपको पीछे लॉन्ग टेल नजर आती हो, दे आर कॉल्ड अ कॉमेट्स. बच्चे अपार्ट फ्रॉम योर वीडियो दिस नोट्स आई विल शेयर यू सम पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर. आपको मैं ये पीडीएफ शेयर कर रही हूँ चैप्टर्स की, जिसमें कि आपको ये फुल्ली चैप्टर रीड करना है. एंड आई विल जस्ट मेड दिट द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. यहाँ मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी मार्क करे हुए हैं. तो आप इस चैप्टर्स की वर्कशीट्स को अच्छे से रीड करेंगे. रीड करने के बाद आप ये सारी ही चीज़ें विद द ब्लू एंड ब्लैक पेन, आप ब्लू ब्लैक पेन से क्वेश्चंस लिखेंगे एंड ब्लू पेन से आंसर्स लिखेंगे. आप लिखेंगे एंड देन फिलिंडा ब्लैंक्स करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे एंड ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स. तो यहाँ मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मार्क किए हुए हैं. आप सभी क्वेश्चंस को ईजिली वे में रीड करेंगे. इस क्वेश्चन का आंसर्स मैंने एक पिक में भेजा हुआ है. ये वाला आंसर आपको प्रीवियस नोट में मिलेगा. इस क्वेश्चन के साथ आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है एंड डिस्कस एनी थ्री फीचर ऑफ मेट्रियॉइड्स एंड कॉमेट्स. ये आपको अपने आप करना है चैप्टर्स को अच्छे से रीड करके. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, रीड द वीडियो एंड लिसन द वीडियो वेरी केयरफुली एंड लिसन द रीड द पीडीएफ वेरी केयरफुली. थैंक यू.